सूर्य चिकित्सा विधि बहुत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि जनता के आरोग्य संवर्धन तथा संरक्षण में यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम सूर्य चिकित्सा विज्ञान। यजुर्वेद के अनुसार सूर्य संसार की आत्मा है। प्रकृति का केंद्र सूर्य ही है। इसकी समस्त शक्तियाँ सूर्य से ही प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार जगत की सत्ता सूर्य पर अवलंबित है। संसार का संपूर्ण भौतिक विकास सूर्य की सत्ता पर निर्भर है। सूर्य की शक्ति के बिना पौधे नहीं उग सकते, अंडे नहीं बढ़ सकते, वायु का शोध नहीं हो सकता, जल की उपलब्धि नहीं हो सकती, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। सूर्य की शक्ति के बिना हमारा जन्म होना तो दूर, इस पृथ्वी का जन्म भी ना हुआ होता। भारतीय सभ्यता में शरीर को खुला रखने की प्रथा थी। किसी भी देवता या महापुरुष का चित्र देखिए, आपको लज्जा निवारण के कटी वस्त्र के अतिरिक्त प्रायः उनके सब अंग खुले हुए मिलेंगे। हमारे पूर्वज शरीर को खुला रखते थे ताकि सूर्य किरणों में प्रकाश द्वारा जो अमृत वर्षा होती है उसे शरीर ठीक प्रकार ग्रहण कर सके। इससे स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा लाभ होता है। रोगों के कीटाणु सूर्य किरणों के संपर्क में आकर बच नहीं सकते। चर्म रोग उन्हें नहीं होते जो शरीर को खुला रखते हैं। जुकाम, दमा, खांसी, क्षय तथा फेफड़े और आंतों के रोग खुले बदन वालों को आसानी से नहीं होते। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें सूर्य किरणों की महत्ता बताई है और सूर्य सेवन से स्वस्थ रहने पर जोर दिया है। साथ ही क्रोमोपैथिक साइंस के आधार पर रंगीन कांचों की सहायता से किरणों में से आवश्यक रंगों का प्रभाव लेकर उनके द्वारा रोग निवारण की विधि बताई गई है और जहाँ जहाँ इस पद्धति के अनुसार चिकित्सा की गई आशाजनक लाभ हुआ है। पुस्तक के कुछ अंश। पहला, धरती यदि हमारी माता है तो सूर्य पिता है। दोनों के रजवीर से हम जीवन धारण किए हुए हैं। दूसरा, शारीरिक रसों का परिपाक सूर्य की गर्मी से होता है। तीसरा, जब संकटपूर्ण दशाएं आती हैं तब सूर्य से हमें असाधारण मदद मिलती है। चौथा, भगवान भास्कर में इतनी प्रचंड रोग नाशक शक्ति है जिसके बल से कठिन रोग दूर हो जाते हैं। पांचवा, सूर्य शक्ति से बढ़कर टीबी के लिए कोई औषधि नहीं है। छठा, भारतवासी भगवान सूर्य के इस अद्भुत रहस्य से अपरिचित नहीं है। सातवा, जिस प्रकार हर एक वस्तु के स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म परमाणु होते हैं, वैसे ही रंगों के भी होते हैं। आठवां, रंग स्वयं एक वैज्ञानिक मिश्रण है। नौवां, हमारा शरीर भी रासायनिक तत्वों से बना हुआ है। पुस्तक के कुछ अध्याय। पहला, सूर्य चिकित्सा विज्ञान। दूसरा, रोगों का कारण। तीसरा, रोगों का निदान। चौथा, शरीर में रासायनिक पदार्थ। पांचवा, नीले रंग के गुण। छठा, मिश्रित रंग। सातवां, चिकित्सा विधि।